भोले बाबा ने भेज दी आज पैसे बचाने की मशीन। क्यों फूक रहे हो इतना इलेक्ट्रिक कार में पैसा? अरे जितना इसके ऊपर इलेक्ट्रिक कार में पैसा जाए उतने में इसमें सीएनजी डलवा लेना। हाँ दोस्तों, मैं केतन दास शर्मा आपके सामने लेके आया हूँ आज मारुति सुजुकी ब्रेजा LXi, वो लेकिन सीएनजी में, जिसमें कि मिलेगा आपको बेहतरीन एवरेज और बेहतरीन पावर। तो उसी सब के बारे में तो आज बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी में आने वाले इसके चार मॉडल के बारे में, जो कि LXi, VXi, ZX और ZXi डुअल टोन। इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे इसके इंटीरियर के बारे में, और दिखाएंगे इसमें कितना है बूट स्पेस सिलेंडर रखने के बाद में। तो दोस्तों, फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलेगा इसका सुजुकी का लोगो जो कि क्रोम में आता है। उसी के साथ में क्रोम में आपको दो ग्रिल देखने के लिए मिलेंगी, साथ में आप देख सकते हैं। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा डार्क ब्लैक ग्रे कलर में आपको देखने के लिए मिलेगा एक प्रॉपर प्लेट। एंड अब चलते हैं यहाँ पर, आप हेडलैम्प में देखेंगे बेस मॉडल में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दी जा रही है। उसी के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर पार्किंग लाइट है। उसी के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर हेलोजन के इंडिकेटर है, और बेस मॉडल की वजह से यहाँ पर आपको दे दिया गया प्रॉपरली फॉग लैम्प के लिए स्पेस। जब आपका मन हो तब लगवा लेना, और नहीं तो करोल बाग से डलवा लेना। अब तो फरीदाबाद में बड़े बड़े आ गए कार मॉडिफाई करने वाले। नीचे आपको मिल रहा है मैट ब्लैक कलर में आपको प्रॉपरली ग्रिल, जिसमें कि आप पीछे देखोगे यहाँ पर आपको रेडिएटर भी नजर आएगा, और इसमें आपको हॉर्न की प्लेसमेंट दी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा एक्स शोरूम प्राइस की बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो के एंड में ऑन रोड प्राइस ही बताऊंगा ना आपको। तो अगर एक्स शोरूम की बात करूं, इसमें आपको ब्रेजा LXi CNG मैनुअल ट्रांसमिशन आपको जो LXi मॉडल मिलेगा वो मिलेगा 10,30,000 रुपए का। लेकिन वहीं अगर आप VXi लोगे तो वो आपको मिलेगा 10,65,000 रुपए का, और अगर आप ZXi CNG लोगे तो आपको मिलेगा 12,10,000 रुपए का। और जैसे ही आप ब्रेजा ZXi CNG मैनुअल ट्रांसमिशन में डुअल टोन ले लोगे, जो कि टॉप मॉडल हो जाता है CNG का, वो आपको मिलेगा 12,26,065 रुपए का। अब बात करते हैं इंजन कॉन्फ़िगरेशन की और कार की डायमेंशन की। 1.5 लीटर का K सीरीज इंजन विद SCNG, ये है आपके सामने पूरी इंजन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन भाई, उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूं भाई, इसका जो मैंने ये बोनेट उठाया है ना भाई, पता चल गया भाई मजबूती का, भाई भारी है, वाकई में भारी है। मारुति ने बहुत बेहतरीन काम करा है। अब इसका इंजन देख लो आप, 1.5 लीटर एडवांस के सीरीज स्मार्ट टेक इंजन, जिसमें कि 1500 cc का इंजन मिलता है, जो कि आपको 75.8 kW की पावर और 136 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। मतलब स्मूथनेस भी जबरदस्त और पावर भी जबरदस्त, और भाई ड्राइविंग क्वालिटी भी जबरदस्त, क्योंकि ये पता है आपको 4 सिलेंडर इंजन आता है, और जो कि CNG में आपको एवरेज निकाल के देता है 25.51 km/kg का। तो भाई जबरदस्त चीज हो जाती है खरीदने वाली। मारुति सुजुकी अरीना विपुल मोटर्स में खड़ी ये मारुति सुजुकी ब्रेजा LXi CNG मॉडल, तो भाई इसमें आपको लेंथ आपको देखने के लिए मिलेगी 3995 mm की, और इसका व्हील बेस आपको देखने के लिए मिलेगा सीधा 2500 mm का। भाई कार हो जाती है एकदम कंफर्टेबल। लेकिन अगर इस कार को खरीदना है तो आपको सिंपल सा नंबर डायल करना है, जो कि है 0129-2555-000। ये है मारुति सुजुकी अरीना विपुल मोटर्स का फोन नंबर। अब हम बात करते हैं फ्रंट से इसकी मिलने वाली विड्थ की बात, जो कि है 1790 mm, और इसकी हाइट हो जाती है 1685 mm, और इसमें सिटिंग कैपेसिटी आती है 5। हालांकि बूट स्पेस इसमें दिखा रखा है इन्होंने 328 लीटर का, तो वो हम चल के चेक करेंगे इसके रियर में, क्योंकि उसमें आ जाता है CNG का सिलेंडर। तो भाई CNG में इसका एवरेज है 25.51 km/kg का, और इसका फ्यूल टैंक है 48 लीटर का। तो भाई आपको पता है बहुत अच्छी एक लॉन्ग रेंज मिल जाती है कार को चलाने के लिए, आपको बार बार फ्यूल डलवाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो पहले CNG पे चलाओ, और उसका CNG खत्म हो जाए तो पूरी पेट्रोल पे भी चलाओ, खूब लंबी निकल जाएगी। तो चलो कार के इंटीरियर में चलते हैं और थोड़ा सा चेक करते हैं कार को। तो आ जाओ दोस्तों, इसका साइड प्रोफाइल चेक करते हैं। सबसे पहले ऊपर देख लो, इसमें व्हाइट में आपको देखने के लिए मिलेगा ORVM। उसके नीचे भाई यहाँ पर दे दिया इन्होंने सबसे बेहतरीन इनका इंडिकेटर मुझे लगता है मारुति वालों का। उसके नीचे आप देखोगे यहाँ पर मैट ब्लैक का यूज किया गया है। लेकिन अभी कहाँ जा रहे हो, इसका टायर प्रोफाइल तो चेक कर लो, क्योंकि ये बेस मॉडल है इसलिए आपको देखो इसमें स्टील रिम देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि सबसे मजबूत चीज होती है ये, ठीक है, जिसमें कि आपको 215/60/R16 कॉन्फ़िगरेशन का टायर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर आप इस 215 से छेड़खानी करोगे ना तो आपका एवरेज चला जाएगा, और अगर आप 60 से छेड़खानी करोगे तो आपका कंफर्ट चला जाएगा, और R16 से अगर आप छेड़खानी करोगे तो आपका सस्पेंशन का ट्रैवल चला जाएगा, आप गड्ढों में आराम से नहीं जा पाओगे। ठीक है, इसके ऊपर लग जाता है व्हील कैप, जो कि एक्सेसरी का पार्ट आता है। अब चलते हैं एक और चीज़ इस कार के अंदर, आ जाओ। तो दोस्तों इंटीरियर दिखाते हैं, थोड़ा सा डोर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे टेक्सचर का इस्तेमाल किया गया, कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं, सब प्लास्टिक है। लेकिन हाँ, टेक्सचर आपको मल्टीपल देखने के लिए मिलेंगे। ये है आपके पावर विंडो कंट्रोल, ड्राइविंग साइड का ऑटोमेटिक है, ये आपके डोर लॉक अनलॉक बटन, ये है मिरर का, को पायलट साइड का आपका लॉक अनलॉक बटन, ये है आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM का बटन लेफ्ट राइट।
हालांकि इसमें ऑन ऑफ का बटन नहीं है, तो आपको इसके हैंड से ही से ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ये रहे इसका लॉक अनलॉक का लीवर, ट्विटर का स्पेस दे दिया है। यहाँ पर देखो आपको सीएनजी और पेट्रोल में चेंज करने के लिए फ्यूल का बटन दे दिया गया है, क्योंकि एक बाई फ्यूल कार है। इधर आप देखोगे यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलर दिया है, और ये है इधर आपके सामने एसी का वेंट, और ये है आपका ओआरवीएम का स्पेस क्लियर करने के लिए एसी वेंट, जिसकी कि हवा सीधा इस एरिया पे लगती है जाके, ताकि आपको बरसात के दिनों में ओआरवीएम आपका ऑलरेडी क्लीन हो जाए। अब बात करते हैं इसकी स्टेयरिंग से, क्योंकि अगर मैं सीट पर आपको कुछ दिखाना चाहूँगा तो ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ही लीवर है इसका रेस्ट एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पर कोई भी इसकी हाइट एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे इसका बोनट ओपन करने के लिए और यहाँ पर इसका फ्यूल लिड ओपन करने के लिए बटन है, तो ये मैंने आपके सामने कर दिया है ओपन, इसको कि अभी हम चल के चेक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे मैनुअल की मिलेगी आपको इंसर्ट करके चलाने के लिए, और ये है यहाँ पर इसका क्या बोलते हैं, इसका हेडलैम्प के कंट्रोल और उसके साथ में इंडिकेटर के कंट्रोल। इधर आपको देखने के लिए मिलेंगे वाइपर के कंट्रोल, और सेंटर में आ जाता है चमचमाता स्टेयरिंग मारुति सुजुकी ब्रेजा एलएक्सआई में, मारुति सुजुकी के लोगों के साथ में, जिसमें कि आपको यहाँ पर क्रोम देखने के लिए मिलता है, और सामने है स्पीडोमीटर, इधर है आपके सामने आरपीएम मीटर, और सामने मिल जाएगी एक डिस्प्ले जिसमें कि आपको एवरेज की इन्फॉर्मेशन, ट्रिप की इन्फॉर्मेशन और भी सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर देखने के लिए मिलेंगी। तो भाई वीडियो में मज़ा आता जा रहा है मेरे को, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत कुछ मिल जाता है बेस मॉडल में ही आपके सामने, और सेंटर की स्पेस भी दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ आप देख लो टिकट होल्डर में आपको टिकट रखने के लिए कुछ स्पेस मिलता है। बाकी सीएनजी कार है तो यहाँ पर आपको देखो डे नाइट का आईआरबीएम मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई बेस मॉडल है आपके सामने, और बेस मॉडल में इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं देती है कंपनी। और हालांकि इस बेस मॉडल का प्राइस भी ज़्यादा नहीं, जो मैंने आपको बताया 9,30,000 से ये शुरू हो जाता है एलएक्सआई में। नीचे आप देखोगे हजार्ड बटन है, एसी के वेंट हैं, उसके बाद नीचे देखो एयर फ्लो, और यहाँ पर टेम्परेचर के लिए, यहाँ पर डायरेक्शन के लिए, ये पे अगेन एसी का बटन, और यहाँ पर कार के इनसाइड एयर सर्कुलेशन बटन, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, हालांकि कोई भी यूएसबी पोर्ट नहीं मिलता। और भाई ये कमाल की चीज़, ये भाई एक अद्भुत चीज़ जिसकी वजह से मारुति कंपनी मार्केट में टिकी हुई है, जिंदा है, ये है इनके 1500 सीसी इंजन से कनेक्टेड इसका गियर ट्रांसमिशन, जो कि 5 स्पीड का गियर ट्रांसमिशन, जिसमें कि 6th गियर आता है रिवर्स का। ये इंडिया का सबसे स्मूदेस्ट इंजन मैं इसे कहूँगा, सबसे ज़्यादा रिलायबल इंजन इसे कहूँगा, जिसकी वजह से मारुति की कार भाई टाटा महिंद्रा सबको टक्कर देती है, हुंडई को टक्कर देती है। आपको सिर्फ क्या करना है, साल में एक सर्विस करानी है और कार मज़े से जितना मर्जी उतना चलानी है भाई साहब, कहीं कार नहीं जाती है। ये सबसे बड़ा यूएसपी है मारुति का, ठीक है। इधर आप देखोगे ये इसका आ जाता है ग्लोव बॉक्स, जो कि ज़बरदस्त स्पेस के साथ में आता है, यहाँ आप देख रहे हैं। और इधर आप देख रहे हैं इधर इसका एसी वेंट, अगेन डोर लॉक अनलॉक बटन, उधर ट्विटर का स्पेस, यहाँ पर पावर विंडो कंट्रोल, उधर ग्रैब आर्म, और ये है को पैसेंजर की सीट। इधर आप देख रहे हो यहाँ पर है हैंड ब्रेक, और इधर थोड़ा सा स्पेस कुछ बटन, कुछ कॉइन्स रखने के लिए, यहाँ पर ग्लास होल्डर। अब चलते हैं इसके रियर सीट में, वहाँ पर देखेंगे इसका स्पेस, और उसके बाद चलेंगे सीधा सीएनजी का सिलेंडर देखने के लिए। तो इसको मैं ड्राइविंग पोस्चर के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने एडजस्ट कर ली, इतने तो खुले में ड्राइव करते हैं। और इधर देखो ये रहा इसका हेडरेस्ट भी आ गया, ये एडजस्टेबल है, ठीक है। ये सब मैंने ड्राइविंग पोस्चर के हिसाब से कर लिया एडजस्ट। अच्छा यहाँ पे देखो डेड पैडल भी है, ठीक है, ताकि अगर आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो तो आप आराम से यहाँ पैर रख सकते हो, ठीक है। भाई मेरा तो ड्राइविंग पोस्चर यही है कि ऐसे पकड़ लिया हैंडल और ऐसे पकड़ लिया गियर लीवर पर हाथ, ठीक है, और ये दबाया क्लच, डाला फर्स्ट गियर और सीधा चला दो मजे से। तो चले पीछे की सीट पर, तभी तो चेक करेंगे ना कितना नी रूम कितना लेग रूम है। आ जाओ भाई। तो भाई डोर पर देख लो आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, पावर विंडो कंट्रोल, और यहाँ पर लॉक अनलॉक के बटन मिल जाएंगे, यहाँ पर बॉटल होल्डर आ गया, उसके साथ में स्पीकर की ग्रिल आ गई, ठीक है। ये स्पेस बहुत ज़्यादा है ये मारुति सुजुकी ब्रेजा में, अगर आप इसी सेगमेंट के और कोई देखेंगे ना आप एसयूवी, तो ये स्पेस बहुत कम हो जाता है, ये पैर आपका टकराता है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो अब आ जाता है मेरा नी रूम, ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छी हाइट के हिसाब से एडजस्ट की थी आगे की सीट, और ये मेरा लेग रूम, यहाँ मैं पैरों में भी बैग रख सकता हूँ, इतनी जगह भी है। और यहाँ पर आप देख लो सेंटर में आपको एसी मिल जाता है भाई, बेस मॉडल सीएनजी में, इससे बड़ा और क्या फीचर लोगे आप। और सेंटर में देखो केबिन लाइट मिल जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। अब जो चीज़ मुझे लगता है कि होनी चाहिए, ठीक है भाई, इसमें यहाँ पर हेडरेस्ट नहीं है, ठीक है, और ये इन्होंने पार्सल ट्रे भी अलग से लगवाई है, वो एक्सेसरी में आती है, क्योंकि बेस मॉडल में नहीं आती है, जो कि हमने एलएक्सआई जो पेट्रोल की हमने कार रिव्यू की थी ब्रेजा, उसमें भी दिखाया था हमने आपको। तो चलो उसका बूट स्पेस चेक करते हैं। और रियर में आपको देखने के लिए मिलेगा शार्क फिन एंटीना, यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप, और उसके नीचे सुजुकी का लोगो, और देखो यहाँ पर ब्रेजा की बैजिंग देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ जाती है टेल लैंप,
तो भाई ये जबरदस्त काम किया है। यहाँ पर देखो रेड कलर की इसकी टेल लैम्प बनाई है, उसके बाद में यहाँ पर देखो इंडिकेटर और ये है इसकी पार्किंग लाइट। नीचे आप देखोगे बॉडी कलर और यहाँ पर आपको देखो ब्लैक मैट कलर के साथ में आपको चार पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलेंगे और ये है आपके सामने इसके रिफ्लेक्टर। ठीक है, अब करते हैं भाई खुल जा सिमसिम का टाइम आ चुका है। ये है भाई खुल जा सिमसिम आपके आगे और ये देखो इसकी पार्सल ट्रे, ये पूरा सिलेंडर रखा हुआ है। उसके बाद देखो 328 लीटर का जो बूट स्पेस है उसमें यहाँ पर सिलेंडर आ गया है। नीचे आप यहाँ पर बैग रख सकते हो काफ़ी सारे, ठीक है, और यहाँ भी आप बैग रख सकते हो खड़े करके दो तीन अगर आप रखना चाहो तो। बड़ा सूट केस नहीं आएगा लेकिन हाँ मिड रेंज का मिड साइज का एक सूट केस आ सकता है इसमें। ठीक है, अब क्या करते हैं ऊपर देखते हैं। यहाँ पर इसका कवर करके प्रॉपर यहाँ हैंडल दिया है, ये लॉक है, इसको करते हैं बंद। अब आपको दिखाते हैं इसका फ्यूल लिड। ठीक है जी, तो आ जाओ। ब्रेजा LXi CNG जिसमें कि देखो पेट्रोल फिल करने के लिए भी यहीं पर लिड दी हुई है और यहाँ पर देखो ये CNG की नोजल भी दी हुई है। ठीक है, इसको आप खोलो ऐसे करके और यहाँ से इसमें कर दो CNG फिल, उसके बाद इसे लगा दो वापस। यहाँ पर सेंसर दिया हुआ है सेफ्टी के लिए, अगर ये डोर खुला होगा तो ये कार स्टार्ट नहीं होगी। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको ये कैप लगा के इसको टाइट करके और उसके बाद में ये आपको फ्यूल लिड ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी कार होगी स्टार्ट। वादे के अनुसार अब बात कर लेते हैं ना इसके ऑन रोड प्राइस की, चाहिए ना, आ जाओ। तो दोस्तों जो आपसे वादा किया है उसको पूरा जरूर करेंगे और आपको मारुति सुजुकी ब्रेजा के बताएंगे ऑन रोड प्राइस, जो कि इसके चार वेरिएंट आते हैं, एक LXi, एक VXi, एक ZXi और एक ZXi प्लस। तो देखो LXi की बात करता हूँ, आपको इसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा सीधा सीधा 10,83,107 रुपये। उसके बाद अगर आप VXi CNG AM मैनुअल ट्रांसमिशन पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 12,45,712 का। उसके बाद अगर आप ZXi CNG मैनुअल ट्रांसमिशन पर जाते हैं तो सीधा पड़ेगा आपको 14,09,845 का, भाई रे भाई। और अगर आप ब्रेजा ZXi CNG मैनुअल ट्रांसमिशन विद डुअल टोन लेते हैं तो आपको मिलेगा वो 14,27,602 का। भाई ज़बरदस्त प्राइस है, तो मेरे को तो जो ज़बरदस्त लगा वो इसका बेस मॉडल लगा, बाकी जितने आपको फीचर चाहिए उस हिसाब से आप अपर मॉडल पे जा सकते हैं। मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो यार, वीडियो को लाइक करके ना चैनल को जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में लिख दो यस। थैंक यू सो मच, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।